Hello everyone, welcome to our channel Maxwell Study Hub. So हमारी previous class में हमने कुछ physical features के बारे में study की, जहां हमने great escarpment के बारे में study किया, Brazil की हमने highlands के ऊपर study किया, ठीक है. We have also learned about the coastal plains. So आज हम यही जो फिजियोग्राफी है, जो हमारा नेक्स्ट टू फिजियोग्राफी है, दैट इज प्लेन्स, ठीक है, और हमारा जो आइलैंड्स है, इनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं. ओके, सो जैसे कि अगर आप प्लेन्स के बारे में बात करता हूं, सो आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, बिकॉज हमने जब इंडियन प्लेन्स किया था, जब हमने इंडियन प्लेन्स के बारे में स्टडी की थी, ठीक है, सो मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज प्लेन. प्लेन इज नथिंग बट अ फ्लैट लो लाइंग एरिया. प्लेन इज नथिंग बट इट्स अ फ्लैट लो लाइंग एरिया, एक ऐसा फ्लैट लो लाइंग एरिया, ठीक है, जो कि मोस्ट फर्टाइल इन नेचर होता है. ये प्लेन के एक अपने ही यूनिक कैरेक्टर होती है. इन प्लेन के वजह से ही इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि प्लेन्स की वजह से ही जितने भी कल्टिवेशन होते हैं कंट्री में वो पॉसिबल है. इवन यही प्लेन की वजह से, क्योंकि कल्टीवेशन के साथ साथ सिविलाइजेशन भी होता है, सो जितने भी कॉन्टिनेंट में या कंट्री में जितने भी प्लेन्स होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से होता है. नाउ एजेंट्स ऑफ इरोजन कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास 9th में आपने एजेंट्स ऑफ इरोजन के बारे में स्टडी किया था, जहां आपने एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2 में यू हैव लर्नड अबाउट द वाटर हैज एन एजेंट ऑफ इरोजन, यू हैव लर्नड अबाउट द विंड हैज एन एजेंट ऑफ इरोजन, एंड इवन यू हैव लर्नड अबाउट द ग्लेशियर हैज एन एजेंट ऑफ इरोजन. सो यही वाटर और विंड, ये दो ऐसे एजेंट ऑफ इरोजन है जिनके डिपोजिशन की वजह से ये प्लेन्स बने हैं. अब जैसे अगर हम बात करते हैं ब्राजील की, सो ब्राजीलियन जो प्लेन्स है, जो ब्राजीलियन फर्टाइल लैंड है, ये दो रिवर सिस्टम की वजह से बना है, दो मेजर वाटर रिवर सिस्टम की वजह से बना है, जो और उनको उसी के नाम से कहा जाता है, इंडिकेट किया जाता है. जैसे आप देख सकते हो कि एक है अमेजॉन बेसिन, ठीक है, और दूसरा वाला जो है रिवर वो है पैराग्यू एंड पैराना, ठीक है, रिवर पैराग्यू एंड रिवर पैराना, ठीक है. ये दो रिवर सिस्टम से इनके डिपोजिशन के वर्क के वजह से, इनके इरोजन एंड डिपोजिशन के वजह से ये प्लेन्स बने हैं. इसलिए यहां पर बोला है द प्लेन्स आर कन्फाइंड ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, वो दो टाइप कौन से हैं, एक है अमेजॉन बेसिन और दूसरा है पैराग्यू एंड पैराना, ठीक है. सो अब हम करेंगे क्या कि इन अमेजॉन बेसिन के और ये जो पैराग्यू एंड पैराना है, इनके बारे में एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं. ओके, सो पहला वाला देखते हैं. फर्स्ट वाला क्या है हमारा, अमेजॉन बेसिन, ठीक है. अभी हम अमेजॉन बेसिन के देखते हैं कि अमेजॉन बेसिन के वजह से ये प्लेन कैसे बना है और ये प्लेन का यूनिकनेस क्या है. ओके, सो अमेजॉन बेसिन में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्क्राइब किया है, इट लाइज बिटवीन टू हाइलैंड्स एंड फॉर्म द लार्जेस्ट प्लेन. ओके, जब मैं प्लेन्स की बात करता हूं, रिवर की बात करता हूं और हाइलैंड्स की बात करता हूं, सो ये हमारे इंडियन से वाइस वर्सा है. जैसे आप देखोगे कि हमारे इंडिया में जितने भी हायर एलिवेशन है वो कहां है, नदन पार्ट में है. वेर एज अगर मैं ब्राजीलियन की बात करूंगा, सो ब्राजील के जितने भी हायर एलिवेशन है वो कहां है, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में है, ठीक है. सो यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि इट लाइज बिटवीन टू हाइलैंड्स, जो अमेजॉन रिवर जो फ्लो हो रहा है वो हाइलैंड से स्टार्ट हो रहा है. हमेशा रिवर का फ्लो होना, रिवर की जर्नी जो होती है वो स्टार्ट होती है फ्लो होने से, वो जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, हायर एलिवेशन से होता है. सो हमारे इंडिया में नदन पार्ट से होता है और अगर हम ब्राजील की बात करते हैं, सो वो सदर्न पार्ट से फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है. सो यहां पर क्या बोला है कि जितने भी लार्जेस्ट यहां पे जो प्लेन्स बने हैं, जो अमेजॉन रिवर से प्लेन बन रहा है, वो साउथ के टूवर्ड से रिवर के फ्लो होने की वजह से बन रहा है, इसलिए वो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल कर रहा है. वैरस अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का कैसा होता है कि नॉर्थ से वो साउथ की टूवर्ड्स ट्रेवल करता है, ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ हमारा प्लेन है. बट अगर हम ब्राजील की बात करते हैं, सो ब्राजील में आपको करना क्या है कि वो वाइस वर्सा है, वो होगा क्या कि साउथ से नॉर्थ की टूवर्ड्स प्लेन यहां पर होंगे.
देन सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट लाइज नदन पार्ट ऑफ द ब्राजील जनरली स्लोप ईस्टवर्ड. ठीक है, नदन पार्ट ऑफ द ब्राजील में मोस्टली ये प्लेन्स मिलेंगे आपको अमेजॉन बेसिन से बनाए हुए, और ये आपको ईस्टर्न पार्ट में दिखेंगे, वेस्टर्न पार्ट में नहीं दिखेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न, ठीक है, द मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट आर डेंस फॉरेस्ट. ठीक है, वहां पर फॉरेस्ट ज्यादा है और यहाँ की इनके यहाँ पर प्लेन्स नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिविलाइजेशन भी नहीं है. Then, third point क्या बोलता है, इट इज वाइड इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट. ठीक है, जैसे अगर आप वेस्ट में देखोगे तो ये प्लेन्स बहुत ही ज्यादा वाइडर है, और अगर आप ईस्ट की टूवर्ड्स बढ़ोगे तो ये कैसे होते जाएंगे, नैरो होते जाएंगे. दिस आर मोस्टली फॉरेस्टेड एंड इननेसेसिबल ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लडिंग. अब फ्लडिंग होने की वजह से, ड्यू टू नेचुरल कलामिटी सच एज फ्लड, सुनामी, ये सब आने की वजह से ये इननेसेसिबल है. नाउ व्हाट इज इननेसेसिबल, इननेसेसिबल यानी कि हम इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, इनको यूज नहीं कर सकते. ठीक है, वहां पर एसेस हमारा नहीं हो सकता. Then, fifth point क्या बोल रहा है, most of the Amazon river are covered with tropical rainforest. जितने भी Amazon river से, Amazon basin से जो plains बने हैं, वो क्या है, tropical rainforest को cover करते हैं. Now, Amazon basin का तो देख लिया, अब देखते हैं river Paraguay and Parana क्या है. ठीक है, इनके सब points पढ़ते हैं. It located in the south western part of the highlands. ठीक है, south western part यानी कि southern part में ही से ये river फ्लो होना स्टार्ट होते हैं, रिवर पैराग्वे एंड पैराना, और ये प्लेन इसके वजह से साउथ से ये भी प्लेन बना रहे हैं. ठीक है, दे फॉर्म द सोर्स रीजन फ्रॉम पैराग्वे एंड पैराना रिवर. जितने भी प्लेन्स रिवर पैराग्वे एंड रिवर पैराना से बने हैं, उनका सोर्स क्या होगा, ये दोनों रिवर इनके क्या होंगे, इनके सोर्स होंगे, बिकॉज इनके डिपोजिशन और इरोजन से ही ये प्लेन्स बने हैं. It slopes towards the south, while slopes of Parana River slopes towards the southwest. ठीक है, जो पैराग्वे है, ठीक है, वो south के towards slope कर रहा है, और जो River Parana से जितने भी plains हैं, वो south के southwest के towards slope कर रहे हैं. Now, Pantanal is one of the largest wetland of the world. ठीक है, most important, very very important, multiple choice questions में ये चीजें पूछी जाती है, ये चीजें बोली जाती है कि dash is one of the largest wetland of the world. ठीक है, so आपका उसका जो answer होगा वो क्या है, Pantanal. ठीक है, wetland मतलब क्या होता है, wetland is nothing but a marshy land. ठीक है, दलदल हिंदी में अगर आप बोलोगे, सो उसका बोलते हैं wetland को दलदल. ठीक है, सो marshy land जो सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में है वो Pantanal है. ठीक है, सो ये चीजें याद रखने वाली चीज है कि Pantanal is one of the largest wetland in the world. ठीक है, इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको मैच द कॉलम में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं आपको मैप में भी Pantanal ब्राजील की मैप में आपको लोकेट करने बोला जाता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ये था हमारा प्लेन्स. प्लेन्स में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जो प्लेन्स में पढ़ा, ठीक है, वो था हमारा कि टू टाइप्स के, मोस्टली टू रिवर्स की वजह से प्लेन्स बन रहा है, एक अमेजॉन बेसिन की वजह से बन रहा है, एक रिवर पैराग्वे एंड रिवर पैराना की वजह से, ये दो रिवर सिस्टम के इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से प्लेन्स बन रहे हैं. ठीक है, और हमने यहां पर इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ा. ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये पॉइंट्स को जॉट डाउन करना है, बुक्स बनाना है, इनके बारे में स्टडी करनी है. ठीक है, और इसके आंसर्स आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. इनके ऊपर, प्लेन्स के ऊपर, अगेन इट्स अ फिजियोग्राफी, सो आपको इनके ऊपर राइट शॉर्ट नोट्स पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है. ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा फिजियोग्राफी है, वो है हमारा आइलैंड. ठीक है, आइलैंड का, अब हमने आइलैंड के बारे में इससे पहले भी पढ़ा है कि व्हाट इज आइलैंड. आइलैंड इज नथिंग बट अ पीस ऑफ अ लैंड, ठीक है, विच इज ऑल साइड कवर्ड बाय वाटर. ठीक है, अब ये जो आइलैंड है, ठीक है, जैसे हमने इंडिया के आइलैंड्स के बारे में पढ़ा कि इंडियन आइलैंड्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ आइलैंड्स. ठीक है, देर आर टू सब डिविजन्स ऑफ आइलैंड जो हमने पढ़े कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और हमने ये भी पढ़ा लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में. सो जैसे हमारे इंडियन आइलैंड्स हैं, वैसे ही हमारे ब्राजीलियन आइलैंड्स भी यहां पर हैं. ठीक है, और हमारे ब्राजीलियन आइलैंड्स भी टू टाइप्स के हैं, एक होता है, एक है कोस्टल आइलैंड्स और दूसरा है मरीन आइलैंड. ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं पॉइंट्स क्या बोलता है. बिसाइड द मेन लैंड, सम आइलैंड्स आर इंक्लूडेड इन द ब्राजील.
दे आर क्लासिफाइड इन टू कोस्टल आइलैंड्स एंड मरीन आइलैंड. ठीक है, दो टाइप के आइलैंड है, एक है कोस्टल आइलैंड्स और दूसरा है मरीन आइलैंड. नाउ व्हाट इज कोस्टल आइलैंड्स? देखो डिफरेंस क्या है कोस्टल आइलैंड एंड मरीन आइलैंड्स में. मोस्टली डिफरेंस ये है कि कोस्टल आइलैंड्स आर दोज आइलैंड्स, ठीक है, जहां पर आपको सैंड जो होंगे, ठीक है, वो सैंडी सॉइल्स देखने मिलेंगे आपको, ठीक है, क्ले सॉइल्स देखने मिलेंगे. वेर एज मरीन आइलैंड आर दोज आइलैंड विच आर रॉकी इन नेचर. ठीक है, दे आर रॉकी इन नेचर. वहां पे वो जो आइलैंड्स है वो उनमें रॉक ज्यादा मिलेंगे उनके, उन्हें ऐसे आइलैंड को, मरीन आइलैंड को हम कोरल आइलैंड्स भी बोलते हैं. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द कोस्टल आइलैंड्स फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन. अब ये जो आइलैंड्स है, देखो आइलैंड्स है, बीचेस है, ये ऐसे फिजियोग्राफी है जो डिपोजिशन होने की वजह से बनते हैं. जैसे जो वाटर है और जो विंड है, मोस्टली जो विंड है, विंड जो है वो बीचेस को और आइलैंड्स को बनाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो किसी जगह से पिकअप करते हैं, इरोड करते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पर आकर डिपॉजिट कर देते हैं. सो मरीन आइलैंड आर द पार्ट ऑफ द मेनलैंड. ठीक है, मरीन आइलैंड्स आर रॉकी एंड आर टॉप ऑफ सबमर्ज आइलैंड. इन्हें सबमर्ज आइलैंड भी बोला जाता है मरीन आइलैंड को. देखो डिफरेंस बिटवीन कोस्टल आइलैंड्स एंड मरीन आइलैंड ये है कि कोस्टल आइलैंड्स मेनलैंड से जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, मेनलैंड से काफी करीब होता है. ठीक है, हालांकि ये आइलैंड भी ऐसा आइलैंड होता है कि जहां पर चारों तरफ से वाटर से ये सराउंडेड होता है. मरीन आइलैंड एक ऐसा आइलैंड होता है जो एक पर्टिकुलर बड़े से ओशन में या बड़े से सी के बीचों बीच पाए जाते हैं. ठीक है, सो ऐसे आइलैंड को बोला जाता है मरीन आइलैंड. सो ये था हमारा आइलैंड और प्लेन. होप आप लोगों को कंसेप्ट रिगार्डिंग द प्लेन्स एंड रिगार्डिंग द ब्राजीलियन आइलैंड्स क्लियर हो चुका होगा. अब आपका काम है यहाँ पर बुक खोलना, इन पॉइंट्स को समझना. ठीक है, पॉइंट्स के बारे में एक पर्टिकुलर नोट्स बनाना. ठीक है, इनके ऊपर मोस्टली राइट शॉर्ट नोट्स आएंगे, मैं वापस से आपको रिपीट करता हूँ. ठीक है, सो तब तक के लिए अब नेक्स्ट जो हमारा अपकमिंग टॉपिक होगा वो होगा हमारा अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न. ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द ब्राजील एज वेल एज ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द इंडिया. ठीक है, अभी आपको करना क्या है, बुक खोलना है, इन दोनों के बारे में स्टडी करना है. ठीक है, इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग द टॉपिक और रिगार्डिंग द कंसेप्ट, ठीक है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा और सारे ईच एंड एवरी डाउट्स आपके क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा. ठीक है, सो तब तक के लिए आपका काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, स्टार्ट स्टडिंग, ऑल द बेस्ट. ठीक है, सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू.